दोस्तों, अगर आपको इस लॉकडाउन में घर बैठे हुए ऑनलाइन अपने ज़मीन का रसीद कटवाना है तो वह आप किस प्रकार से कर पाएंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी आप लोगों से, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आज की इस वीडियो में टारगेट मात्र 30 लाइक का है, अगर आप लोग 30 लाइक पूरा देंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र या आप कोई भी ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जितनी भी सरकारी सेवाएं होती है इनका उपयोग करने के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र सबसे बेहतर ब्राउज़र है। तो यहाँ पर आके आपको भू लगान लिखकर सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद जो सबसे पहला वेबसाइट आपको मिलेगा भू लगान डॉट बिहार डॉट जी ओ वी डॉट इन, आपको इस वेबसाइट पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो बिहार सरकार की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है लंबित भुगतान देखे और दूसरा है ऑनलाइन भुगतान करे। लंबित भुगतान देखे का मतलब है कि अगर आपने पहले ऑनलाइन रसीद कटवाने के लिए ट्रांजेक्शन या पेमेंट कर दिया है, पेमेंट करने के बाद भी आपका भुगतान नहीं हो पाया, पैसा कट गया और आपको रसीद नहीं मिला, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका भुगतान हुआ है या नहीं हुआ है और उसकी ट्रांजैक्शन आईडी से आप यहां पर ऑनलाइन पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नया भुगतान करना है तो आप ऑनलाइन भुगतान करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने जिला को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो भी आपका जिला हो आप उसे यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे और उसे सिलेक्ट करेंगे। जिला को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अंचल का नाम, तो आप अपने अंचल का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करके आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पेज रिफ्रेश होगा, तब हल्का नाम में चयन करें का ऑप्शन आएगा। अगर आप डायरेक्ट हल्का नाम पर क्लिक करेंगे तो यह ऑप्शन खुलेगा ही नहीं, तो यहाँ पर चयन करें पर फिर क्लिक करेंगे और आपका जो भी हल्का नाम हो आप उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर कहता है मौजा नाम, तो यहाँ पर मौजा नाम पर क्लिक करेंगे और आप अपने मौजा को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कहता है भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या। अगर आपको भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या पता ही नहीं है तो आप कैसे पता करेंगे, तो नीचे में देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या वर्तमान जानने के लिए जमाबंदी पंजी देखे, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो बिहार की जो रजिस्टर टू देखने की वेबसाइट है वह ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप अपने भूमि के पृष्ठ संख्या और जमाबंदी पंजी का जो भी डिटेल्स है वो देख पाएंगे। इस पर मैंने वीडियो पहले से बना दिया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर मुझे भाग संख्या और पृष्ठ संख्या वर्तमान पता है तो मैं उसे यहाँ पर फटाफट से दर्ज कर लेता हूँ। दर्ज कर लेने के बाद यहाँ पे जो आपको सुरक्षा कोड है उसे जोड़ कर लिख देना है और खोजे पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके द्वारा भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या डालने के बाद जो उससे संबंधित आपकी ज़मीन होगी वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाएगी। अगर उसी पृष्ठ संख्या में और उसी भाग वर्तमान में किसी और का भी ज़मीन होगा तो वो भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने ज़मीन को सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर आपको देखे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप देखे पर क्लिक करेंगे तो आपको पंजी टू का पूरा विवरण दिख जाएगा, जहाँ पर कि आपको जमीन की सारी डिटेल्स रहेगी, जिला अंचल मौजा नाम तौजी संख्या पृष्ठ संख्या अनुमंडल का नाम होल्डिंग संख्या राजस्व थाना संख्या इत्यादि, और जमीन किनका है किनके नाम पर है उनका निवास स्थान क्या है और जमीन कितना है, वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो इस विवरण में यहाँ पर देखिए कुल बकाया राशि बताया जा रहा है 3626 रुपया और इसका हमें भुगतान करना है। तो भुगतान किस प्रकार से करना है तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले है यहाँ पर रिमीटर नेम, तो यहाँ पर नाम मोबाइल नंबर और एड्रेस आपको लिख देना है। नाम मोबाइल नंबर और पता लिख देने के बाद यहाँ पे आई एग्री को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है और फिर से पेज को स्क्रॉल डाउन करना है और ऑनलाइन भुगतान करे पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा आपको मेक पेमेंट,
तो यहाँ पे डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट वगैरह आपको लिखाई पड़ जाएगा, और अकाउंट की यहाँ पे देखिए डिटेल्स है, और यहाँ पे देखिए पेयर यानी कि जो पैसा पेड करा जो कि हमने अभी अपना डिटेल्स भरा था वो सब यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा। अब यहाँ पे आता है पेमेंट डिटेल्स में, दो ऑप्शन आपको मिलेंगे पेमेंट मोड में, एक तो है ई पेमेंट और दूसरा है पेमेंट ओवर द बैंक काउंटर कैश या चेक। तो अगर आप बैंक जाकर कैश या चेक में पैसा जमा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एक आईडी जनरेट करवा सकते हैं, उस आईडी पर आप पैसे या चेक के द्वारा अपना पैसा जमा कर सकते हैं रसीद के लिए। लेकिन अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड फोनपे वगैरह से पेमेंट करना है तो यहाँ पे आप ई पेमेंट को सेलेक्ट करेंगे। ई पेमेंट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट बैंक पर क्लिक कर देंगे और आपका जिस भी बैंक में अकाउंट हो आप उस बैंक को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे SBI को सेलेक्ट किया तो SBI की जो योनो इंटरनेट बैंकिंग है वो यहाँ पर ओपन हो गया, और यहाँ पे देखिए अदर बैंक का भी ऑप्शन आ रहा है, और नीचे अगर आएंगे तो आपको कार्ड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, क्रेडिट कार्ड से अगर चाहे तो आप यहाँ पर भुगतान कर सकते हैं। अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग से भुगतान करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे SBI नेट बैंकिंग पर क्लिक करके यहाँ से आप ऑनलाइन भुगतान कर पाएंगे। भुगतान कर लेने के बाद आपको एक ट्रांजेक्शन आईडी मिलेगी, उस ट्रांजेक्शन आईडी को आप नोट कर लेंगे, और साथ में अगर आपका मतलब सर्वर अगर सही रहा इस वेबसाइट की तो आपको ऑनलाइन रसीद भी उसी टाइम प्राप्त हो जाएगी। आप उस रसीद से अपने ज़मीन का लगान जो आपने भुगतान किया आपको एक प्रूफ प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग घर बैठे हुए ऑनलाइन अपने ज़मीन का लगान भुगतान कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।